नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जहां पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, वहीं दिल्ली के शाहीन बाग में भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोग लगातार इसके विरोध में बैठे हैं। वहीं बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 के लोगों ने NRC, NPR और CAA के समर्थन में पैदल रैली निकाली गई। ये रैली सेक्टर 3 के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इस रैली का उद्देश्य लोगों को CAA और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जागरूक करने के लिए किया गया था। NRC, CAA और NPR के समर्थन में निकाली गई इस रैली में करीब 200 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और लोगों को जागरूक किया। इस रैली के माध्यम से सेक्टर 3 के वासियों को ये समझाया गया कि नागरिकता संशोधन कानून किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो घुसपैठियों की तरह भारत देश में रह रहे हैं। ये रैली सेक्टर 3 के मार्केट से पैदल मार्च करती हुई अन्य सेक्टर होकर वापस सेक्टर 3 आकर समाप्त हो गई। ये जो शाहीनी बाग में कुतर्क चल रहा है, लोग पैसे से वहाँ जा रहे हैं और हमारे राष्ट्र को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और जो ये CAA ये बिल जो पास हुआ है, ये हमारे राष्ट्र हित में हुआ है। ये ना कि किसी की नागरिक को नागरिकता खत्म करेगा, परंतु नागरिकता देगा। तो आप लोग किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हम लोगों को जगा रहे हैं कि जो ये CAA बिल आया है, ये CAA बिल किसी भी नागरिक की नागरिकता खत्म नहीं करेगा, ये नागरिकता देने का काम करेगा। जो 3 देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचार से जो बचना चाहते हैं, वो भारत से नागरिकता चाहते हैं और भारत उसको नागरिकता देने के लिए तैयार है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उसका क्या? वो लोग सारे देशद्रोही हैं। आप सब लोगों को उठा के देख लो, जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, हमेशा देश को तोड़ने का काम किया है, देश को बिगाड़ने का काम किया है। जो दूसरे देश के जो आतंकवादी उग्रवादी उनकी सपोर्ट करते हैं, वो लोग उनका साथ दे रहे हैं, वो इसका CAA का विरोध कर रहे हैं। जिसको CAA के बारे में पता नहीं है वो लोग विरोध कर रहे हैं, पर राजनीतिक लोग हैं वो भी विरोध कर रहे हैं इसका? वो राजनीतिक लोग हैं, उसमें कम्युनिस्ट लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, केजरीवाल हैं, ये सब लोग जो देशद्रोही हैं, ये सारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग आप किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हम लोगों को आपका माध्यम क्या है? आज जो हम ये जुलूस निकाल रहे हैं, ये पब्लिक को जागरूक करने का ही काम कर रहे हैं। CAA के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। हमारे जो शरणार्थी भाई हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उन्हें शरण दे रहे हैं और मोदी जी की कृपा से उन्हें नागरिकता मिल चुकी है। जो विरोध कर रहे हैं उनका क्या कहना है? वो तो टुकड़े ग्रुप है, उनसे कुछ नहीं लेना देना, वो देश के गद्दार हैं, देश के गद्दारों से हमें सावधान रहना है। युवाओं को कैसे जागरूक करें? क्योंकि युवा तो पहले ही जागरूक है, युवा तो हमारे साथ है, मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं।